अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करना है। और फ्यूचर, और मीन हमारा, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल। ट्रांसलेशन गौर से सुनिएगा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। एजुकेशन, तालीम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए। तालीम हर बच्चे के लिए बहुत अहम है। वेदर ही इज़ अ बॉय और अ गर्ल, चाहे, वेदर मीन ख्वाह या चाहे, ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है, और अ गर्ल या लड़की है। अ नेशन कैन नॉट ग्रो विदाउट एजुकेशन। नेशन, कौम, ग्रो, तरक्की करना, एजुकेशन, तालीम। एक कौम तालीम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन को कहते हैं तालीम निस्वा, इज़ द प्री रिक्विसाइट, लाजमी शर्त है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, किसी कौम की तरक्की के लिए। तालीम निस्वा किसी कौम की तरक्की के लिए लाजमी शर्त है। नो ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर मुनासिब, पॉसिबल मुमकिन, मुनासिब तालीम के बग़ैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। लड़के और लड़कियां माशरे के बराबर अफराद हैं, मेंबर्स, अफराद, इक्वल, बराबर। नॉट ओनली बॉयज़, ना सिर्फ लड़के, बट आल्सो गर्ल्स, बल्कि लड़कियों को भी, शुड रिसीव, हासिल करनी चाहिए प्रॉपर एजुकेशन, मुनासिब तालीम। ना सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी मुनासिब तालीम हासिल करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी, एक सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए। अ मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे की पहली दर्सगाह होती है, या माँ अपने बच्चे की पहली उस्तानी होती है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू एजुकेट द मदर, माँ को तालीम दिलाना बहुत ज़रूरी है। सो दैट, ताकि हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, मे ग्रो एज परफेक्ट इंडिविजुअल्स इन आर सोसाइटी, ताकि उसके बच्चे माशरे में एक मुकम्मल अफराद की तरह नशोनुमा पा सकें। इफ़ वी एजुकेट, अगर हम तालीम दिलाएं वन वुमेन, एक औरत को, वी आर एजुकेटिंग द होल फैमिली, तो हम पूरे ख़ानदान को तालीम दिला सकते हैं। बाई एजुकेटिंग अ बॉय, एक लड़के को तालीम दिलाकर, वी एजुकेट वन पर्सन, हम एक शख्स को तालीम दिलाते हैं। एज नेपोलियन सेड, जैसे कि नेपोलियन का कौल है, या जैसा कि नेपोलियन ने कहा, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, मुझे एक तालीम याफ्ता माँ दो। आई शेल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन, मैं आपको एक तालीम याफ्ता कौम दूंगा। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट मेजॉरिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स आर वुमेन, के स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर असातिज़ा ख़वातीन हैं। दिस इज़ बिकॉज, इसकी वजह यह है, अ वुमेन इज़ बाई नेचर, एक औरत फितरी तौर पर मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ताना एंड केयरिंग, और ख्याल रखने वाली होती है। फीमेल्स डू देयर बेस्ट, ख़वातीन बखूबी अंजाम देती हैं, नॉट ओनली एज मदर्स, ना सिर्फ बतौर माँ, बट आल्सो, बल्कि एज नर्सिस, नर्सें, टीचर्स, असातिज़ा, डॉक्टर्स, डॉक्टर, हेल्थ विजिटर्स, सेहत का ख्याल रखने वाली, एंड सुपरवाइजर्स, और बतौर निगरान भी ख़वातीन अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करती हैं, या अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देती हैं। ख़वातीन ना सिर्फ माओ, बल्कि नर्सें, असातिज़ा, डॉक्टर, सेहत का ख्याल रखने वाली, और बतौर निगरान भी अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देती हैं। एन एजुकेटेड फीमेल, एक तालीम याफ्ता खातून, कैन बिकम, बन सकती है, आ हेल्पिंग हैंड फॉर हर फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए मददगार। एक तालीम याफ्ता खातून अपने ख़ानदान के लिए मददगार हो सकती है। द मेजर रीज़न टू एजुकेट द फीमेल्स, बड़ी वजह ख़वातीन को तालीम दिलाने की, इज़ दैट, ये है,
इट इज़ देयर बेसिक राइट, ये उनका बुनियादी हक है अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, हमारे मज़हब के मुताबिक। ख़वातीन को तालीम दिलाने की बड़ी वजह ये है कि ये उनका बुनियादी हक है हमारे मज़हब के मुताबिक। इस्लाम हैज़ गिवन द राइट, इस्लाम ने हक दिया है ऑफ़ गेटिंग एजुकेशन, तालीम हासिल करने का, टू एवरीबॉडी, हर शख्स को, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जींस से कता नज़र, जेंडर कहते हैं जींस को, रिगार्डलेस कता नज़र। इफ़ वी स्टॉप द फीमेल्स फ्राम अक्वायरिंग एजुकेशन, अगर हम ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकें, वी गो अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, तो हम इस्लाम की तालीमात की मुखालफत करते हैं। यहाँ तक आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं पैराग्राफ्स के जो हमने पढ़े। इम्पॉर्टेंट, अहम, नेशन, कौम, प्री रिक्विसाइट, लाजमी या फिर लाजमी शर्त। प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, पॉसिबल, मुमकिन, प्रॉपर, मुनासिब, इक्वल, मसावी या बराबर, मेंबर्स, अरकान या अफराद। परफेक्ट, मुकम्मल, मेजॉरिटी, अक्सरियत, हेल्थ विजिटर्स, सेहत का ख्याल रखने वाले, रीज़न, वजह, रिगार्डलेस, कता नज़र, रिलीजन, मज़हब। वर्ड सेंटेंसेस हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन होता है तरक्की, अली इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, अली तरक्की कर रहा है, रिलीजन, मज़हब, इस्लाम इज़ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब है। सुपरवाइज़र, निगरान को कहते हैं, असलम इज़ आवर सुपरवाइज़र, सक्सेसफुल, कामयाब, माई फादर इज़ अ सक्सेसफुल मैन। लास्ट में आपने होमवर्क में ऐसे लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।